अस्सलाम वालेकुम, क्या आप भी अपनी कॉन्टैक्ट नंबर को अपने जीमेल अकाउंट के अंदर सेव करना चाहते हो और आपको नहीं पता कि कॉन्टैक्ट नंबर जीमेल के अंदर किस तरह से सेव करते हैं, तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर को अपने जीमेल आईडी के अंदर सेव कर सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट नंबर जीमेल पे सेव करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन आ चुका है, तो इसे आप लोग यहाँ पर ओपन कर लीजिए। और इसे ओपन करने के बाद टॉप टू राइट पर यहाँ पर आपको सेटिंग का एक ऑप्शन शो हो जाएगा या आपको थ्री डॉट भी यहाँ पर शो हो जाएगी, तो आपको इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, तो इस पर टाइप कर लीजिए। इस पर टाइप करने के बाद सबसे नीचे जाइए, नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगा एक्सपोर्ट कॉन्टैक्ट, तो इस पे टाइप कर लीजिए। इस पे टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन शो हो जाएगी एक्सपोर्ट टू वीसीएफ फाइल, तो आपको एक्सपोर्ट टू वीसीएफ फाइल पे टाइप करना है। और इस पे टाइप करने के बाद यहाँ पर आप लोग के फाइल यहाँ पर सेव हो जाएगी। अगर आप इस नेम को यहाँ से चेंज करना चाहोगे तो चेंज भी आप कर सकते हैं। नेम चेंज करने के बाद यहाँ पर सेव के बटन पे टाइप कर लीजिए। अब आपकी सारी कॉन्टैक्ट जो है वो एक वीसीएफ फाइल के अंदर सेव हो चुकी है। अब दोस्तों ये वीसीएफ फाइल हम गूगल पे किस तरह से अपलोड करेंगे, तो इसके लिए आप लोग अपने जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने जीमेल एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। और जीमेल एप्लीकेशन ओपन करने के बाद टॉप टू राइट पर आपकी प्रोफाइल की एक लोगो आपको शो हो जाएगी, तो इस लोगो पे टाइप कर लीजिए। लोगो पे टाइप करने के बाद आपकी सारी जीमेल अकाउंट यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस भी जीमेल पे आप अपने कॉन्टैक्ट नंबर सेव करना चाहते हो उस जीमेल को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं इस जीमेल पे यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ, तो इसके नीचे लिखा हुआ है गूगल अकाउंट, तो आपको गूगल अकाउंट पे टाइप करना है। गूगल अकाउंट पे टाइप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे होम है, दूसरे नंबर पर पर्सनल इन्फो है, तीसरे नंबर पर डेटा एंट्री है, चौथे नंबर पर सिक्योरिटी है और पांच नंबर पे आपको यहाँ पर मिलेगी पीपल एंड शेयरिंग, तो आपको इस पीपल एंड शेयरिंग पे टाइप करना है। उसके बाद इस दूसरे नंबर पर आपको टाइप करना है कॉन्टैक्ट इन्फो, इस पे आपको टाइप करना है और इसे यहाँ से ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप बैक आ जाइए, बैक आने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपको शो हो रहा है कॉन्टैक्ट, तो इस पे टाइप कर लीजिए। इस पे टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन शो हो जाएगी, यूज एप स्टे ऑन वेब, तो आपको स्टे ऑन वेब पे टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो हो जाएगी इंपोर्ट कॉन्टैक्ट, तो इस पे टाइप कर लीजिए। इस पे टाइप करने के बाद सेलेक्ट फाइल पे टाइप कर लीजिए और सेलेक्ट फाइल पे टाइप करने के बाद यहाँ पर फाइल मैनेजर सेलेक्ट कर लीजिए और फाइल मैनेजर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपना फाइल सेलेक्ट कर लीजिए जो फाइल आपने बनाया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो फाइल यहाँ पर आ चुका है कॉन्टैक्ट वीसीएफ फाइल। ठीक है दोस्तों, तो इस पे टाइप कर लीजिए। इस पे टाइप करने के बाद यहाँ पर इंपोर्ट के बटन पे टाइप कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इंतजार करने के बाद दोस्तों आपकी जो सारी कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पर सेव हो जाएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस इसी तरह से आप लोग अपने कॉन्टैक्ट नंबर को अपने जीमेल आईडी के अंदर सेव कर सकते हैं। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो दोस्तों अगले वीडियो में मिलेंगे, खुदा हाफिज़।